दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षण मुदिराज और आज मैं आपको बताऊँगा सक्सेसफुल मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर और मेंस फिजिक चैम्पियन मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक जर्मी बुंडिया के बारे में। सो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जर्मी बुंडिया के ऊपर वीडियो बनाई जाए क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और बहुत इंडिया से भी बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। उनको उनकी एक फिजिक जो है मेंस फिजिक के लिए वो एक टॉप नॉच फिजिक होती है, और जो कंडीशनिंग और एक सिक्स पैक एब्स और एक जो वी टेपर लुक जो लेके आते हैं हमेशा एक ब्रॉड शोल्डर्स के साथ, जर्मी हमेशा 4 सालों से लगातार मेंस फिजिक एट मिस्टर ओलंपिया जीतते आ रहे हैं। सो आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनकी बायोग्राफी बताऊंगा, उनकी एथलेटिक स्टैटिस्टिक्स, उनकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और थोड़ी बहुत उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे। सो बात करते हैं कि कैसे जर्मी बुंडिया जो कॉलेज में फुटबॉल खेलते वक्त इंजर्ड हो गए थे वहाँ से लेके मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन तक कम्पीट किया और 4 टाइम कंसेक्यूटिवली मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक जीता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो जर्मी बुंडिया का एक एथलेटिक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। सो जर्मी बुंडिया के जो स्टेज वेट है वो है 175 से लेके 185 पाउंड्स। उनकी हाइट है 5'8". उनका जन्म हुआ था 1990 अमेरिका में। सो प्रोफेशन से जर्मी एक IFBB फिजिक कॉम्पिटिटर है। सो जो लोग नए हैं बॉडी बिल्डिंग में या जिन लोग को नहीं पता कि फिजिक कंपटीटर क्या होता है, सो IFBB ने एक नया डिवीजन ओपन किया है मिस्टर ओलंपिया में जो मेंस फिजिक डिवीजन होता है, जहाँ पे आपको एक बॉडी बिल्डर जैसी एक जो बल्की बॉडी होती है वैसी नहीं लानी होती है, सिर्फ एक ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, उनकी एक हाइट की लिमिट होती है, वेट की लिमिट होती है, और एक बहुत अच्छा मिड सेक्शन लाना होता है, उसके साथ कैव्स या फिर और उनके क्वाड्स तो नहीं देखे जाते क्योंकि वो 3/4 में आते हैं हमेशा, लेकिन जो एक बीच बॉडी आप बोल सकते हैं, बीच पे जो एक बॉडी आपको दिखानी चाहिए उस तरह की बॉडी आप एक ओलंपिया स्टेज पे ला सकते हैं और आप इस कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हैं जो होता है मेंस फिजिक। ये हर साल मिस्टर ओलंपिया में होता है और आप इसे जरूर देख सकते हैं अगर आप बॉडी बिल्डिंग को एक पैशनेटली फॉलो करते हैं तो। सो जर्मी का एरा स्टार्ट हुआ था 2000 में और 2010 में और अभी भी उनका एरा कंटिन्यूड है। सो बात करते हैं थोड़ी सी उनकी अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। सो अर्ली लाइफ में जर्मी हमेशा उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था October 26, 1990 रोजविल कैलिफोर्निया में। सो बचपन से ही जर्मी बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के थे और हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मी के फादर खुद एक नॉन कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थे। वो बॉडी बिल्डर थे लेकिन कॉम्पीट नहीं किया करते थे, एक अच्छी फिजिक रखना उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता था। सो अपने फादर को देख के ही जर्मी इंस्पायर हुए थे। जर्मी किसी बॉडी बिल्डर को या किसी फिटनेस मैगजीन पे कवर पे देख के किसी को इंस्पायर नहीं हुए, लेकिन उनके घर पे ही उनके फादर और उनके बड़े भाई थे, उनको देख के जर्मी इंस्पायर हुए थे। सो उन्होंने अपने फादर से अपनी ट्रेनिंग की एडवाइस स्टार्ट की लेना, न्यूट्रिशन के ऊपर उन्होंने अपने फादर से बात करना स्टार्ट किया और बहुत ही यंग एज से जर्मी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। सो उन्होंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग एक अच्छी फिजिक रखने के लिए स्टार्ट की थी, एक कोई उनका ऐसा मिस्टर ओलंपिया में या NPC में कम्पीट करने का उनका कोई गोल नहीं था। सो स्टार्टिंग में टीनेजर्स में जब वो थे तब वो ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर उनका ध्यान था और स्पेशली फुटबॉल। जर्मी अपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे फुटबॉल चैंपियन थे। वो एक लाइनर बैक जो एक डिग्री होती है प्लेसमेंट होती है फुटबॉल में, वो लाइनर बैक की ओर से खेलते थे। सो जर्मी अपने फुटबॉल करियर को लेके बहुत सीरियस थे, लेकिन फुटबॉल खेलते वक्त उनके सीनियर सीजन के वक्त उनके साथ एक इंजरी हो गई थी और उस इंजरी की वजह से जर्मी को फुटबॉल क्विट करना पड़ा और कॉलेज को जो कमिटमेंट थी कि जो इंजरी होने के बाद फुटबॉल नहीं खेल सकते, इसलिए जर्मी ने अपना फुटबॉल क्विट कर दिया। लेकिन जो कम्पिटिटिव एटीट्यूड था उनके अंदर वो हमेशा उनके साथ कायम था। उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया एक मेंस बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। सो जर्मी को एक अच्छा एक्सपीरियंस तो था ही वेट लिफ्टिंग से, अपने फादर से उन्होंने जो सीखा था। सो यंगस्टर से ही उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक मेंस फिजिक में कम्पीट करता हूँ। सो उनका फर्स्ट कंपटीशन था 2008 INBF कैपिटल सिटी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिगर चैंपियनशिप, जहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई 6th। सो जर्मी को पता था कि मेरा फर्स्ट कंपटीशन है इसलिए मेरी कोई टॉप प्लेसिंग तो आ सकती नहीं, लेकिन उनको एक
होप थी, उनके पास एक आशा थी कि मैं ज़रूर जीतूंगा, और उन्होंने अपने ऊपर और ध्यान दिया, अपनी न्यूट्रिशन और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर और ध्यान दिया, और डिसाइड किया कि अगली बार जब मैं स्टेज पे आऊंगा तो मेरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा होगा, मैं और एक अच्छी कंडीशनिंग के साथ आऊँगा। तो उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, अगले 2 सालों तक उन्होंने ट्रेनिंग करते रहे, हार्डवर्क दिया, डेडिकेशन दिया। सो 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बार वापस कम्पीट किया। सो 2010 कॉन्ट्रा कोस्टा चैंपियनशिप में उन्होंने कम्पीट किया था और वो कॉम्पिटिशन वो जीत गए। सो वहाँ पे उनको पता चला कि हाँ, मेरे अंदर सच में एक फिजिक है, मैं सच में कम्पीट कर सकता हूँ टॉप लेवल बॉडी बिल्डिंग में। सो 2010 में उनकी प्लेसिंग आई 3rd NPC कैलिफोर्निया स्टेट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। सो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आने वाले और कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो 2012 NPC कैलिफोर्निया गवर्नर्स चैंपियनशिप में वो रनर अप रहे। 2013 NPC आर्मेचर ग्रैंड लॉस एंजलिस के लिए उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जो उसके एक साल बाद आने वाला था। सो एक साल तक उन्होंने प्रिपेयर किया उस कंपटीशन के लिए, हार्ड डाइट और हार्ड ट्रेनिंग रखी और वो कंपटीशन जीत गए। सो इसी के साथ उनका और एक एम बन गया था कि अब मुझे प्रोफेशनल IFBB प्रोफेशनल कार्ड जीतना है, ताकि मैं मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स के साथ कम्पीट कर सकूँ। सो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और एक साल के बाद 2013 NPC जूनियर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में उन्होंने कम्पीट किया और वो कंपटीशन जीत गए। इसी के साथ उनको IFBB प्रोफेशनल कार्ड भी मिल गया। सो प्रोफेशनल कार्ड मिलता ही उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए, ताकि वो बहुत सारे कंपटीशन में कम्पीट कर सके। सो 2013 मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया में उन्होंने फर्स्ट टाइम कम्पीट किया और उनकी प्लेसिंग आई 2nd। सो जर्मी सेकेंड प्लेस से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उनको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि नेवर गिव अप, बहुत कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड था जर्मी के अंदर। सो वो सेकेंड प्लेस से बहुत नाखुश थे। उन्होंने और मेहनत की और अगले साल डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा, और जो उन्होंने फेथ था उनके अंदर वो सच निकला। 2014 मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया में जर्मी की प्लेसिंग आई 1st, और तब से लेके अब तक यानी 2017 तक जर्मी डोमिनेट करते आ रहे हैं मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया में, अपनी एक बहुत अच्छी फिजिक को लेके। सो जर्मी बुंडिया एक बहुत अच्छे मेंस कॉम्पिटिटर है, मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर है, और जो उनकी ट्रेनर है वो है हैनी रैम्बर्ट। सो हैनी रैम्बर्ट जाने जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेनर, एक स्टार ट्रेनर है हैनी रैम्बर्ट की, इसी पर जर्मी को ट्रेनिंग करते वो बिकनी मॉडल्स को, फिर वुमेंस फिजिक, इनके भी टॉप लेवल की फिजिक्स होते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और साथ ही साथ जो करंट मिस्टर ओलंपिया है फिलहित, उनको भी हैनी रैम्बर्ट ट्रेन करते हैं। सो हैनी रैम्बर्ट एक ओवरऑल अपनी डाइट प्रिपरेशन और ट्रेनिंग की उनको सजेशंस देते हैं सारे एथलीट्स को मिस्टर ओलंपिया में, और जर्मी उनमें से एक है। सो बात करते हैं थोड़ी सी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। सो जर्मी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस तो कंटिन्यू रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग भी रहते हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने जो कोचेस हैं उनको ट्रेन करते हैं, ताकि वो अपनी जो न्यूट्रिशन और डाइट का जो एस्पेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सके। सो जर्मी एक बहुत पॉपुलर इंटरनेट फिटनेस आइकॉन है, उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया से और US से बहुत उनको लोग फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि हमारा भी एक दिन ऐसी फिजिक हो। बहुत अच्छी बात है, उनको फॉलो ज़रूर कीजिए। सो बात करते हैं उनके ट्रेनिंग के बारे में। सो कार्डियो में जर्मी हमेशा 30 मिनट्स का कार्डियो रखते हैं, और ज़्यादा बाइक के ऊपर वो ट्रेन नहीं करते, वो हमेशा एलिप्टिकल या ट्रेडमिल के ऊपर ज़्यादा ट्रेन करते हैं, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को हमेशा फॉलो करते हैं, वो उनका पर्सनल फेवरेट है। सो जर्मी की फेवरेट एक्सरसाइजेस की बात करें तो उनके 3 फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं। सो पहली फेवरेट एक्सरसाइज जर्मी की है वो है बेंच प्रेस, सेकेंड फेवरेट एक्सरसाइज है डंबल लैटरल रेस, और 3rd फेवरेट एक्सरसाइज है डंबल स्टैंडिंग अल्टरनेट बाइसेप कर्ल्स। सो ये 3 एक्सरसाइजेस जर्मी के टॉप फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपको उनकी कार्डियो और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उनका पूरा डिटेल ट्रेनिंग उसमें मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जाके देख सकते हैं कि जर्मी की टिपिकल ट्रेनिंग स्टाइल क्या होती है, आप उनके सेट्स, रेप्स और कौन सी एक्सरसाइज लगाते हैं ये भी आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा मेंशन कर दिया है। सो बात करते हैं अब उनकी न्यूट्रिशन एस्पेक्ट की। सो न्यूट्रिशन के लिए जैसे आपको बताया, एक मेंस फिजिक को कैसे एक बैलेंस्ड और एक स्मॉलर मील्स कंज्यूम करने होते हैं पूरे डे में। सो जर्मी लीन प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट्स रखते हैं पूरे दिन, और वो भी एक बैलेंस्ड डाइट होता है। अगर आपको उनका डाइट देखना है एक दिन का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका डाइट भी मेंशन किया है, डिटेल डाइट है, आप जाइए और देखिए कि मील 1 से लेकर मील 6 तक पूरा डाइट मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या डाइट में, कौन से मील में क्या खाते हैं।
सो सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जर्मी ज़्यादा सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ बेसिक सप्लीमेंट जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है वो यूज़ करते हैं, और अपने कंपटीशन के दौरान वो फैट बर्नर यूज़ करते हैं ताकि वो कटिंग फेज में जा सके। सो जर्मी ने अपने फादर को और अपने ओल्डर ब्रदर को देख के सीखा है और वहाँ से वो इंस्पायर हुए और वहाँ से वो लेके आज तक डोमिनेट करते आ रहे हैं मेंस फिजिक को। सो जर्मी एक बहुत टफ कंपटीटर है मेंस फिजिक के लिए, उनको बीट करना बहुत हार्ड है इस पॉइंट पे, तो जब तक कोई एक और उनसे अच्छा मेंस फिजिक में कंपटीटर ना आ जाए। सो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन जर्मी के ऊपर, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उसी के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन PC टैबलेट पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में बताइए कि कौन से बॉडी बिल्डर के ऊपर आपको बायोग्राफी चाहिए, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो टिल देन गुड बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।